सी जैसे मैं कह रहा था ना, मेन रिफाइनरी में जो मेन पोल्यूशन जो होता है, इट इज़ जो टोटल पोल्यूशन जो होता है, से IOCL मिलकर पोल्यूट कर रही है, उसमें से मेजर चंक जो है रिफाइनरीज के थ्रू होता है। और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम जितना भी वहाँ ग्रीन चीज़ों का इस्तेमाल करें, इट इज़ बेटर। तो एक तो वहाँ पर जैसे ग्रीन हाइड्रोजन की हम लोग बात कर रहे थे, है ना, तो ग्रीन हाइड्रोजन का अभी हम लोग फिलहाल हम पानीपत और इसमें कर रहे हैं, मथुरा में कर रहे हैं, बट सिमिलर काइंड ऑफ थिंग इट विल कम इन देयर ऑल्सो। जो भी हमारे ग्रीन इनिशिएटिव्स है जिससे कि पोल्यूशन हम कम कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम उसका इस्तेमाल वहाँ पर करें। साथ ही साथ कुछ सोलराइजेशन के भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी हम लोग करेंगे। अगर आप ये भी देखें, जैसे हमारा पारादीप में ही LPG का हम इम्पोर्ट टर्मिनल भी बना रहे हैं, तो LPG इम्पोर्ट टर्मिनल में हमारा प्लान है कि वहाँ पर हम सोलराइजेशन करें, ताकि मतलब जो जो हमारे प्रोसेस के थ्रू जो एमिशन्स होते हैं, वो प्रोसेस के थ्रू एमिशन जो है एकदम कम हो जाए। एक तो जो है ना, हमारे काफ़ी बड़े पैमाने पर हम ट्री प्लांटेशन भी करते रहते हैं, वो कंटिन्यूस प्रोसेस हमारा है। मतलब जितना जगह हमारा खाली बचता है, ग्रीन बेल्ट जो होते हैं, उसमें हम काफ़ी कुछ ट्री प्लांटेशन करते हैं। जो मैं कह रहा था ना बीच में, कि जितना हम एनवायरनमेंट में ऐड करते हैं, हम उसमें कितना रिमूव करते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत सारे तरीके हैं कि इसके थ्रू हम रिमूव करते हैं एनवायरनमेंट से पोल्यूशन। राइट, नहीं एग्जिस्टिंग हम लोग कर रहे हैं ऐसे, लेकिन ट्री प्लांटेशन वगैरह प्रोसेस हमारा चलते रहता है। ब्रीफ अबाउट सी, आज का प्रेस मीट बेसिकली हमने इसलिए रखा था कि जो हमारी थीम है कि हम ग्रीन की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं। जो आप थीम देख रहे हैं ना, जो ग्रीन जस्ट एक सेकंड क्या था, जो हम ग्रीन इनिशिएटिव्स के लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं यहाँ, वो थोड़ा ब्रीफ करने के लिए हम आपको बता रहे थे। जैसे हम लोग ने कहा कि हम लोग जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, बहुत सारे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हम लोग लेके आ रहे हैं, ताकि एमिशन जो होती है, एमिशन्स हम कम कर पाएँ। हम रिन्यूएबल्स में भी हम लोग काफ़ी आ रहे हैं, हाइड्रोजन में हम लोग आ रहे हैं, बैटरीज में हम लोग आ रहे हैं, ताकि ये जो ग्रीन इनिशिएटिव्स है ना, जो हमारी कंपनी को एक डिफरेंट दिशा में ले जा रही है, उसको हम ब्रीफ करने के लिए यहाँ पर बेसिकली एक प्रेस मीट कर रहे थे, ताकि एक लोगों को आइडिया रहे कि जैसे इंडियन ऑयल की बात करते हैं तो लगता है कि एक ऑयल कंपनी है। जैसे मैं कह रहा था, हम ऑयल कंपनी भले ही इंडियन ऑयल है, बट हम वी आर नॉट ओनली ऑयल कंपनी, वी आर एनर्जी कंपनी, एंड हम एनर्जी के सोल्यूशंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं फॉर वेरियस सेगमेंट्स, एंड उसके तरह किस तरीके से हम बढ़ रहे हैं, फ्रॉम ऑयल से लेकर तो हम ग्रीन की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं, हम लोग क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, ताकि हम 2046 तक हम अपने आप को एक नेट जीरो डिक्लेयर कर सकें। इंडियन ऑयल का जो एक अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट है नेट जीरो होने का बाय 2046, वो तकरीबन 2,00,000 करोड़ रुपया है, एंड वो फेजेस में विल कीप ऑन हैपनिंग। ऐसे नहीं होगा कि सडनली हम नेट जीरो हो जाएंगे। नेट जीरो होने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट बाय 2046 हमारा रिजॉल्व है कि हम नेट जीरो पहुंच जाएंगे, एंड इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्सीमेटली 2,00,000 करोड़।